हाँ स्टार्ट भाई। तो जी नमस्कार, और मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं सारे प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। एक बार धरने की तरफ कैमरामैन साथी कहना चाहूँगा, जो न्याय की मांग की जा रही है ये हमारे मोहित भाई के कारण है युवा इतनी बड़ी तादाद में कारण इस धरना में शामिल होने का? इस धरना में शामिल होने का कारण यो भाई, जो अपने रोहणा तगाव के वेद प्रकाश नाम के अपने आदरणीय अंकल जी थे, वो रोहणा तगाव ने शहीद का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने 13 पेज है जो खून से लिखे उन्होंने, और अपने जो न्यायिक परिसर ने अभी वाणी का उसके सामने उन्होंने कहने का मतलब सुसाइड कर दिया। तो अब उसको न्याय दिलाने के लिए ये जितने भी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे उसके लिए आए हैं। शहीद वेद प्रकाश जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वेद प्रकाश जी अमर रहे। नो घूम जाओ भाई, इस साइड घूम जाओ ताकि तुम शहीद गौरवनाथ को शहीद का दर्जा दो। बोले अरे शहीद गौरवनाथ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शहीद गौरवनाथ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। वेद प्रकाश जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डीसी मुर्दाबाद, दीवानी डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीवानी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारे जो युवा साथी आए हैं दीवानी से छात्र नेता, वो हम इसलिए आए हैं क्योंकि रोहनाथ गांव से पिछले लगातार 3-4 महीने से 8 महीने से पहले एक हमारा शहीद भाई संतलाल जी शहीद हुए थे, और अब हमारे जो वेद प्रकाश जी रोहनाथ गांव से रोहनाथ गांव की जो मांगे थी उनको लेकर के जिला प्रशासन ने उनको बिल्कुल ऐसे प्रताड़ित किया है कि उन्होंने सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। और मैं भिवानी प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूं कि शहीद वेद प्रकाश जी को शहीद गांव रोहनाथ गांव शहीद का दर्जा दिया जाए, और शहीद वेद प्रकाश जी को और संतलाल जी को न्याय दे, जो भी रोहनाथ गांव को जो सरकार की ओर से सुविधा जो दी गई है सभी की सभी उपलब्ध करवाई जाए। हाँ जी भाई साहब, मेरा तो बस एक ही मोटिव है, जो मतलब शहीद हुए हैं ना, मतलब उनके अंदर जो खून था वो थोड़ा बहुत हमने भी बचा हुआ है। अगर हम उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको आज़ादी मिलेगी तो ठीक है, अगर उनको आज़ादी नहीं दी गई ना, उनको न्याय नहीं दी गया ना, तो जो उनके अंदर खून था शहीद का वही खून हमारे अंदर है, हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। क्या बात भाई, युवा छात्र संघ के जो युवा हमारे साथी हैं वो भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं और मांग प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। तो आगा आगा देखो कितनी भीड़ जुड़ा है, कौन कौन इस आंदोलन में इस मतलब कि यज्ञ आहुति देने खातर कौन खड़ खड़ा होना रहा है, और युवा छात्र संघ के शहीद वेद प्रकाश जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लगातार नारे जारी रहे, शहीद गौरवनाथ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शहीद गौरवनाथ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शहीद संतलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद संतलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भिवानी डीसी मुर्दाबाद, लगातार मुर्दाबाद के नारे दोस्तों लगातार देखने ला रहे हैं। न्याय परिसर भिवानी का आगे खड़े हैं और आंदोलन भी चल ला रहा है। राम राम सामण साहब, ठीक हो गए? तो लगातार जो है धरना जारी है, नारे जारी है, और युवा छात्र संघ भी इस आंदोलन में यज्ञ में आहुति देने खातर पहुंच गया है। पीछे बड़े बड़े किसान यूनियन के नेता भी अपन देखे, और हमारे साथ एक और विभूति जो है इस हार से बानखड़ साहब पहुंचे हैं।